इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और ये खरर से आए हैं और ये 3 साल से चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक प्रार्थना को ये अटेंड करते हैं, सुबह शाम की प्रार्थनाओं को ये ऑनलाइन सुन रहे हैं और ये सिस्टर के जीवन में अद्भुत गवाही इस तरह से प्रभु ने बनाई है कि इन्होंने वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और जब ये अपनी बॉडी का टेस्ट करवाने जाते थे तो उसमें लगातार स्टमक प्रॉब्लम आ रहा था कि इनके जो स्टमक है, जो पेट है, उसमें प्रॉब्लम है। जब एक्सरे करवाते थे तो भी उसमें भी प्रॉब्लम आती थी, जो बॉडी टेस्ट है उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। और ये बताते हैं कि जब अभी इन्होंने चेक करवाया फर्स्ट टाइम तो ये चर्च में आए और इन्होंने स्पेशल पास्टर जी से मिले और इन्होंने इसके लिए प्रार्थना करवाई कि मैंने वीज़ा, मेरी बेटी ने मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया है तो पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। और ये बताते हैं कि ये प्रेयर करवा के चले गए तो जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा था, इंडिया से जो प्रोसेस चल रहा था उसमें इनको बोला जा रहा था कि आप बॉडी टेस्ट करवाओ। और ये बताते हैं कि इन्होंने 3-4 बार बॉडी टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, पर जो इनका वीज़ा है प्रभु ने जो पहली बार इन्होंने टेस्ट करवाया था उसी टेस्ट में ही इनको क्लियर किया और इंडिया में भी टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने इन सिस्टर को 3 और 4 बार जो इनका टेस्ट हुआ था वो टेस्ट को इग्नोर करते हुए जो इनका पहले टेस्ट बॉडी टेस्ट हुआ था, एक्सरे हुआ था, उसी टेस्ट के ऊपर ही इस सिस्टर को 3 ईयर्स के 3 साल के ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के साथ प्रभु ने ब्लेस किया है। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि सिस्टर बताते कि इन्होंने होप खो चुके थे कि ये क्या बार बार मुझे टेस्ट करवाना पड़ रहा है, मेरा वीजा नहीं आना है, पर विश्वास के साथ अड़े और खड़े रहे, पास्टर जी से प्रार्थना करवाया तो परमेश्वर इन्हें वीजा के साथ ब्लेस किया है। 3 साल का सिस्टर को वीजा मिला है और अद्भुत रीति से, जिसकी कोई होप नहीं थी, कोई आस नहीं थी, पर प्रार्थना करवाने से वो वीजा इनको मिला है। सभी जने इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। और इन सिस्टर की दूसरी गवाही ये है कि इनकी बेटी जिसका नाम अमरजीत कौर है, उन्होंने उनके पेट में एक बार दर्द उठा और उन्हें हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोला। जब चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं बताया कि सिस्ट है, उनको कोई मिस्टेक हुआ, उन्होंने बोला कि इसके पेट के अंदर जो है वो कोई ब्लड का टुकड़ा है और वो बढ़ गया है, इमीडिएटली इसका 1-2 दिन में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये सिस्टर काफ़ी टूट गए और इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया और जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि इनके दामाद जो कि विश्वास नहीं करते प्रभु में, पर ये सिस्टर करते, इनका पूरा परिवार करता है, और इनके दामाद बोले कि चलो तुम लोग अपने चर्च से फ़ोन करवा लो, यदि तुम्हारा कुछ बन जाएगा तो ठीक है तो मैं विश्वास करूँगा, नहीं तो मैं मानता तो नहीं हूँ, पर देखते हैं तुम लोग कह रहे हो तो चलो फ़ोन कर लो अपने पास्टर जी को फ़ोन। तो इन्होंने यहाँ पर कॉल किया तो जब इन्होंने कॉल करके प्रार्थना करवाई तो इनकी बेटी बोली कि मेरा हस्बैंड तो विश्वास इनकी बेटी बोली कि मेरा हस्बैंड तो विश्वास नहीं करता पर मेरा विश्वास है क्योंकि मेरे मम्मी के जीवन में, मेरी सिस्टर के जीवन में बहुत सारी प्रभु ने गवाहियाँ दी हैं, तो मेरा विश्वास है कि जब मैं चर्च से प्रार्थना करवाऊँगी तो प्रभु मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। और जब इनकी बेटी के लिए प्रार्थना की गई तो अगले दिन उन्होंने टेस्ट करवाया क्योंकि ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, वो भी तुरंत करना था, इमरजेंसी में ऑपरेशन बोला था। तो इन्होंने ऑपरेशन कराने से पहले डॉक्टर बोले कि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जब चेकअप किया गया तो वो रिपोर्ट्स में कोई ब्लड का टुकड़ा नहीं था, वो सिस्ट नहीं थी, और इनकी बेटी को भी नहीं पता चला कि जब उसने प्रार्थना करवाई थी तो प्रार्थना करवाने के बाद वो वॉशरूम में गई थी तो वो जो सिस्ट था वो उसके यूरिन के जरिए ही बाहर आ चुका था। इंस्टेंट प्रभु ने हील किया था, तुरंत परमेश्वर ने चंगा किया अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा के, और जो ऑपरेशन होना था उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से कैंसिल किया और अब इनके दामाद जो है वो विश्वास करना शुरू करें हैं परमेश्वर में। इस अद्भुत गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं। देखो कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, कैसे छुटकारा दिया, कैसे अनुग्रह दिया, और वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। से जोर से ताली बजाते हुए यशुदिया रहमता ने किया है निहार, यशुदिया रहमता ने किया है निहार, हाय यशुदिया रहमता ने किया है निहार। बोलो जयकार, अरे बोलो जयकार, बोलो जयकार, अरे बोलो जयकार।
बोलो जयकार, हालेलुया सारे बोलो जयकार, बोलो जयकार सारे बोलो जयकार, बोलो जयकार सारे बोलो जयकार, हालेलुया सारे बोलो जयकार।